सीटेट का 17वां पेपर जो होने जा रहा है उसके में मेन जो एस्पेक्ट्स हैं उसकी बात करेंगे। इसमें जुलाई 2023 को ये कंडक्ट होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 मार्च से लेकर 26 मई तक फिल की जाएंगी। 1 महीने का वक्त है। हाँ, आपको कब तक फिल करना चाहिए, इतना ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए कि आपको अपना सिटी जो है एग्जामिनेशन की आप चाहते हो, सेंटर चाहते हो प्रेफरेंस वाला, वो ना मिले। अगर लेट जाओगे तो आपको सेंटर दूर वाला मिलेगा। अगर जल्दी फिल कर दोगे तो आपकी जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो जल्दी आ जाएगी। दैट इज वाई आपको दूसरे या तीसरे वीक तक आपको हर हालत में फिल कर देना चाहिए, दूसरे वीक को प्रेफर कर लेना चाहिए। डेट एग्जाम होना कब है, जुलाई से अगस्त के बीच में शिफ्ट्स होती हैं उसमें होगा। एग्जैक्ट डेट आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद ही पता चलेगी। अच्छा, फीस कितनी है पेपर वन के लिए, जो एलिमेंट्री या DLED वाले हैं, ETT वाले हैं, जिन्होंने 5th तक के लिए एलिजिबल होना है वो पेपर वन फिल करेंगे, और BEd वाले जो बैचलर वाले हैं वो पेपर टू और पेपर वन दोनों फिल कर सकते हैं। अगर पेपर एक फिल करना है तो 1000, अगर दोनों फिल करने हों तो 1200 रुपए हो गए। रिजर्व कैटेगरी के लिए SC ST डिफरेंटली एबल के लिए ये फीस हाफ हो जाएगी, 500 और 600। नेक्स्ट जानकारी है, CBT मोड हो गया है, इसकी वेबसाइट है, खुद इंफॉर्मेशन ले सकते हो, नीचे लिंक में भी दिया गया है, वहां से भी देख सकते हो। नेक्स्ट है, डेट्स मैंने बता दी हैं। इसके बाद फीस की लास्ट डेट 26 मई लास्ट 12 बजे से 1 मिनट पहले, उससे इससे पहले पहले फिल करनी होगी। एग्जामिनेशन सिटी जो सिटी मिलेगी आपको, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस होगी। अगर फॉर्म पहले फिल करोगे, फॉर एग्जांपल एक सेंटर जो आपके नज़दीक डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ पर टोटल कैपेसिटी होगी, फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर मान लीजिए 10,000 सीट्स हैं या 5,000 सीट्स हैं, तो जो पहले फॉर्म फिल करेगा उसको वहां सीट मिल जाएगी। अगर 5,000 सीट हैं तो फिल नहीं हुई तो उसके बाद आपको दूर वाले एग्जामिनेशन सेंटर मिलेगा। तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, ये बातें हो चुकी हैं। अच्छा, एग्ज़ाम का शेड्यूल क्या होगा, 9:30 बजे से 12 बजे तक 2.5 घंटे का पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड बात हो चुकी है। और दूसरा 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक होगा। अगर आपने पेपर वन और टू दोनों फिल किए हैं तो पहला पेपर आपका शिफ्ट वन में हो जाएगा और दूसरा पेपर शिफ्ट टू में उसी सेंटर में हो जाएगा। दैट इज़ वाई इस चिंता में मत रहना कि दूसरा पेपर कहाँ होगा। नेक्स्ट है हमारे पास के पेपर वन का जो स्ट्रक्चर क्या है, पैटर्न क्या है कंटेंट का, वो मेनली पहला पेपर CDP का, जिसको साइकोलॉजी भी कई जने बोल देते हैं, वो कंपलसरी है, 30 मार्क्स, 30 MCQ, 30 मार्क्स। दूसरी लैंग्वेज होगी और तीसरी भी लैंग्वेज होगी, कंपलसरी है, ये ऑप्शन नहीं है। 20 लैंग्वेजेस दी हैं, आगे जाके बताता हूँ। उनमें से आपने 2 लैंग्वेजेस चूज करनी है। नॉर्मली फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी को चूज करते हैं, जहाँ अपनी जो भाषा है उसको, जैसे पंजाब के लोगों की पंजाबी है, पंजाबी फर्स्ट को चूज कीजिए और सेकंड इंग्लिश को चूज कर सकते हैं आप। अगर और प्रेफरेंस है तो आप दूसरे वाला पेपर जो होता है रिलेटिवली इजी होता है, दैट इज वाई उसको एज ए इंग्लिश प्रेफर कीजिए। ऐसे बाद इंग्लिश आपने ये प्रेफर कर ली है, मैथ्स फर्स्ट पेपर में कंपलसरी है, एनवायरमेंटल स्टडी कंपलसरी है, हर सेक्शन के 30-30 MCQ हैं और 30-30 मार्क्स है, टोटल 150 का ये जो एग्ज़ाम होता है। जो जनरल कैटेगरी है उसने 90 मार्क्स लेने हैं और रिजर्व कैटेगरी ने 82 मार्क्स लेने हैं, 80% नहीं सॉरी 82 मार्क्स पास होने के लिए लेने हैं। ऐसे ही पेपर टू का जो स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट है वो क्या है, CDP होगा, सेम है जो ऊपर वाला था, लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू जैसे ऊपर है। इसमें आपका 2 ऑप्शन आपके पास हैं, आपकी स्ट्रीम कौन सी है, मैथ्स या साइंस स्ट्रीम है एक, और दूसरी अगर आपकी सोशल साइंस है तो वो आप अकॉर्डिंग टू अपने जो ग्रेजुएशन में आपके सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली आपने चूज करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस या BEd में सोशल साइंस पढ़ी है तो आप सोशल स्टडी को चूज करोगे। ओके, अगर आपने मैथ्स साइंस फिजिकल साइंस ये पढ़ा हुआ है तो आप साइंस को चूज करोगे। इसमें 60 मार्क्स आने हैं, ये रहे।
और इसमें से लगभग आधे क्वेश्चन पैडागोजी के होते हैं, आधे आते नहीं हैं, आधे से कम ही आते हैं, और आधे क्वेश्चन कंटेंट के होंगे। ये डिफ़िकल्ट पोर्शन होता है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड बनते हैं। तो ये हो गया आपका 30 CDP, 30 लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू और 60, ये बन गया 150, जैसे यहाँ 50 बना था, और ये भी जनरल कैटेगरी के 90 और रिजर्व कैटेगरी के 82 वाला पास होगा। नेक्स्ट है, ये उनका कंपैरिजन करना है, यहाँ से भी कर सकते हैं। अच्छा, ये आपकी लैंग्वेजेस अवेलेबल है, नेचुरली आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। इंग्लिश अगर आपने, ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ी कौन सी लैंग्वेज है, इसे कोई लेना देना नहीं है, आप कोई भी लैंग्वेज ऑप्ट कर सकते हो। आपकी मास्टरी जिसमें है, नॉलेज ज़्यादा जिसमें है, वो उसको चूज़ कीजिए। नेचुरली मोस्टली हमारी मोस्ट कॉमन चॉइस जो होती है हिंदी, इंग्लिश और मदर टंग आपकी ये जो है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पंजाबी है या और स्टेट की है, वो अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है उसको चूज़ कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट जो लैंग्वेज चूज़ करनी है, अपनी मदर टंग या हिंदी को चूज़ कीजिए, दूसरे पर इंग्लिश चूज़ कीजिए। नेक्स्ट है कि लैंग्वेज कौन सी होगी पेपर की। हिंदी और इंग्लिश में पेपर आएगा, जैसे PSTET में पंजाबी और इंग्लिश में आता है, यहाँ हिंदी और इंग्लिश में पेपर आएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स मैंने बता दिए हैं, जनरल कैटेगरी के 90 और रिजर्व कैटेगरी के OBC, SC और ST डिफरेंटली एबल पर्सन के 82। एप्लीकेबिलिटी मतलब कि अगर आप CTET क्लियर करते हो तो आपको फ़ायदा क्या होगा। सेंट्रल बोर्ड से रिलेटेड जितने भी स्कूल्स हैं, फॉर एग्जांपल केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, सेंट्रल तिब्बतीन स्कूल्स हैं, और आपके प्राइवेट स्कूल जो लोकल हैं उसमें भी अब CTET कंपलसरी हो चुका है। वहाँ जॉब लेने के लिए आपको CTET क्लियर करना होगा। इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट बॉडी और सेंट्रल CBSE से जो जुड़ा हुआ स्कूल है, वहाँ पर ये टेस्ट आपको क्वालिफाई हर हालत में करना होगा। जो स्टेट टेट है वो आपको स्टेट के बोर्ड के साथ जुड़े हुए स्कूल्स में जॉब करने के लिए चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ये लंबी प्रक्रिया है, यहाँ पर नहीं बताऊँगा। नेचुरली है आपको टीचर ट्रेनिंग कोर्स किसी में एडमिशन ले चुके हो, आपका फर्स्ट डे है, आप CTET दे सकते हो। दूसरी बात, मार्क्स कितने चाहिए, उतने मार्क्स सभी के आ जाते हैं, प्रोफेशनल डिग्री हैं, जैसे यहाँ पर 50% है, 45 है, वो रिजर्व कैटेगरी के मुताबिक 5% की रिलैक्सेशन होती है, तो ये पॉइंट मेन नहीं होगा आपका। हाँ, जब आपने फॉर्म फिल करना है तो यही बात आपने चूज़ करना है कि आप कहाँ फिट बैठते हो। अब जो DLED है 2 ईयर का, उनके साथ प्लस टू की हुई हो, ऐसे होगा, 50% मार्क्स है। ऐसे ही दूसरा BLED है ना, 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, वो किया है आपने। DLED है विद स्पेशल एजुकेशन, फिर भी आप CTET दे सकते हो। ग्रेजुएशन एंड BEd है, फिर भी आप दे सकते हो। ये पास्ट एंड अपीयर्ड दोनों ही लिखे हुए हैं, ये नहीं है कि आपका 1 साल हो गया होना चाहिए, आप हर हालत में, आपकी एडमिशन हुई है तो आप दे सकते हो। ये है पेपर 1 के लिए क्राइटेरिया। पेपर 2 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये रहा, यहाँ पर जो ग्रेजुएशन है और 2 ईयर डिप्लोमा, DLED हो गया, ग्रेजुएशन है, BEd हो गई, ग्रेजुएशन है, BEd हो गई, प्लस टू है, 4 ईयर बैचलर, BLED हो गई, प्लस टू है, और 4 ईयर BA, BSc, BEd और BA, BEd, BSc, ये हैं BA, BSc, BEd इंटीग्रेटेड, ये है इंटीग्रेटेड। मतलब कि आपने इंटीग्रेटेड BEd की है, जहाँ BLED की है, जहाँ DLED की है, जहाँ कर रहे हैं, आप एलिजिबल हो CTET देने के लिए। और इसके कोई भी ऐसा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम आप जो NCT के द्वारा रिकॉग्नाइज है वो कर रहे हैं तो आप CTET दे सकते हो। आपके सर्टिफिकेट अगर आप CTET क्लियर कर लेते हो तो लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें,
एज लिमिट कोई नहीं है, बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश में बात हो चुकी है। अच्छा, सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट आपको कैसे मिलेगी? जिन कैंडिडेट का सीटेट क्लियर हो जाएगा, पास हो जाएगा, उनको डिजिटल फॉर्मेट इन देयर डिजी लॉकर अकाउंट खोला जाएगा, उसमें इसको आपके मार्कशीट और सर्टिफिकेट को प्रोवाइड किया जाएगा। ये बात की बातें हैं, अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सिलेबस, अभी पूरा सिलेबस अलग से वीडियो है। इसके अलावा और इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपकी कोई एरर हो जाती है, ऑनलाइन करेक्शन इन पर्टिकुलर अपलोडेड बाय द कैंडिडेट 29/5/2023 मंडे से लेकर 2 मई 2023 तक आपको करेक्शन के लिए टाइम दिया जाएगा। अच्छा, डाउनलोड एडमिट कार्ड होंगे जब आपका एग्ज़ाम होगा उससे 2 दिन पहले, डेट ऑफ एग्जामिनेशन वो स्पेसिफिक बाद में आएगी, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट सितंबर में होगा टेंटेटिवली। अच्छा, ये जो है आपने एग्जामिनेशन सेंटर पेपर 1-2 के लिए एंटर होना है, तो सुबह आपने अगर 9:30 पेपर शुरू हो रहा है तो 7:30 आपने एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री करनी है। चेकिंग ऑफ एडमिट कार्ड होगा 9 से 9:15 तक। चेकिंग ऑफ कंप्यूटर आपने चेक करना है जहां पर पेपर देना है 9:15 पर। लास्ट एंट्री इन एग्जामिनेशन सेंटर गेट क्लोजर एग्जामिनेशन 2:15 पर ये बंद हो जाएगा। ये 9:15 से आप सबसे पहले यहां पर एंट्री करनी होगी। अच्छा, टेस्ट शुरू हो जाएगा 9:30 बजे एग्जैक्ट, और टेस्ट कंक्लूड हो जाएगा जो 12 बजे, 2.5 घंटे होंगे। तो शाम की शिफ्ट का ये रहेगा, आपको 12:30 बजे एंट्री करनी होगी और 2 से लेकर 2:15 तक चेकिंग एडमिट कार्ड, 2:15 तक आपकी चेकिंग कंप्यूटर, और 2:15 तक लास्ट एंट्री होगी, उसके बाद नहीं होगा। 2:30 बजे पेपर शुरू हो जाएगा, 5 बजे ख़त्म हो जाएगा।